हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा, हम लोग ने एट क्वेश्चन तक कर लिए थे, अब हम देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम में आपको ये दिखाना है, पांच चीजें प्रूव करके दिखानी है कि एपीडी ट्राइंगल सीक्यूडी के पैरेलल है। जो एपीडी आपकी, देखो ये एपीडी ऊपर वाली जो ट्राइंगल है, और ये सी क्यू बी नीचे वाली, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सिर्फ आपको पैरेललोग्राम एक चीज और गिवन है, ये डीपी है, ये बीक्यू के इक्वल है, ये आपको गिवन में लिख लेना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, देखो आप। अब ये जो सारे क्वेश्चन आएंगे बाकी बहुत इजी है पहले वालों से। तो आप देखो, सबसे पहले आप ये देखो, इस एंगल को नाम डाल देते हैं वन, क्योंकि नंबरिंग करना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है एडी जो है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती है। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो बी सी और एडी पैरेलल है, बी सी पैरेलल एडी, ठीक है। अब बी सी एडी के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है ए सी, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। तो आपका ये जो एंगल वन है, किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल टू के, ये वाला एंगल वन और ये एंगल टू इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नाम डाल दें फर्स्ट, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है वो लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। इन दोनों में देखो आप, अपोजिट साइड इक्वल होती है। AD जो है इसमें, ये AD किसके इक्वल आ रही है, BC के, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है BQ इज इक्वल टू PD, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसमें दे रखा है DP इज इक्वल टू PQ, ये गिवन में होगी आपके पास। अब नेक्स्ट, आपने अभी ये दिखाया था अभी ऑलरेडी कि एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, जो कि फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये देखो कौन सी आपकी कॉन्ग्रुएंसी लगी है। इस एक ट्राइंगल पे देखो आप, आपकी इस साइड का यूज हुआ, इस एंगल का यूज हुआ और इस साइड का यूज हुआ, तो बाय तो ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू बी, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एस ए एस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गई आपके पास, यानी आपके पहला पार्ट हो गया। अब बाय सीपीसीटी, इसका जो पार्ट है ये एपी, इस ट्राइंगल का किसके इक्वल दिखाना है हमें, सी क्यू के, जो सेकंड पार्ट है हमारा। तो ये तो सीधा हो जाएगा आपके पास बाय, यहाँ फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट आप देखो यहाँ से है, सेकंड पार्ट बाय सीपीसीटी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं सी क्यू एपी इज इक्वल टू सीक्यू, एपी इस ट्राइंगल में आ जाएगा एपीडी में, और सीक्यू इसमें आ जाएगा सीक्यू बी में। तो ये आपका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आपका ये था, सेकंड पार्ट सीपीसीटी से आपके पास ये आ गया। अब थर्ड पार्ट देखो आपके पास, थर्ड पार्ट में आपको ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं ए क्यू बी और सीपीडी, ऐसे ही इस एंगल को हम नाम डाल दें थ्री और इस एंगल को हम नाम डाल दें फोर। तो अब देखो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, इधर ये साइड वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं आपको ये कॉमन दिखाने हैं। अब इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी आपके पास आ जाएगा, और बी क्यू इज इक्वल टू पी डी तो है ही आपके पास, जो गिवन है BQ is equals to PD, ये गिवन है आपके पास। और तीसरा क्या आएगा आपके पास, ये जो एंगल है, अब ये AB जो है CD के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो और ये BD ट्रांसवर्सल है, सॉरी यहाँ BD था आपके पास, AC नहीं आएगा, यहाँ पे BC, यहाँ पे आपके पास BD आएगा, ठीक है। हाँ, तो BQ is equals to PD,
और आपके पास ये जो है ए बी है और डी सी ए पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल है, तो थ्री और जो फोर है, जैसे मैं इसमें अलग से दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये आपका दो लाइन पैरेलल हो गई और ये बी डी ए ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये थ्री और फोर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थ्री है इधर और इधर ये फोर है, ये थ्री है इधर फोर है, तो ये इक्वल आ जाएंगे आपके, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय कौन सी कोण, एस साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी। अब ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, यहां से फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, ए क्यू और सी पी इक्वल दिखाने हैं, तो ये इस ए क्यू और सी पी तो इसी में आ जाएंगे आपके, तो बाय सी पी सी टी लिखना है आपको थर्ड फोर्थ पार्ट में, बाय सी पी सी टी। हाँ अब ए क्यू किस में आ जाएगा, ए क्यू बी में, इस वाली ट्राइंगल में ए क्यू बी में ए क्यू आ गया आपके पास, और किसके इक्वल दिखाना है सी पी के, तो सी पी किस में आ जाएगा सी पी डी में, ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। अब आप ये ध्यान से देखो कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और इसको आप नाम डाल देते हैं स्टार, क्योंकि हमें पीछे कोई नाम नहीं दिया हुआ इसको, और इसको हम नाम डाल देते हैं कितना, फर्स्ट हमने यहाँ डाल दिया है, इसको सेकेंड नाम डाल देते हैं। हाँ अब हमें फिफ्थ पार्ट क्या दिखाना है, फिफ्थ पार्ट सिंपल है, ए पी सी क्यू इसे पैरेललोग्राम दिखाना है, जो बीच में एक ये बॉक्स बन रहा है जो। अब पैरेललोग्राम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो ए के पेयर, या एक तो हो गया आपका एक ही पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो पैरेललोग्राम, या दोनों अपोजिट पेयर्स क्या हो इक्वल हो या फिर और पैरेलल हो, तो हम इक्वल दिखा देते हैं तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। तो हमने दोनों अपोजिट पेयर जो है ए पी सी क्यू के क्या दिखा दी इक्वल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं इनको उतर के ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और अभी आपने दिखाया था ए क्यू इज इक्वल टू सी पी फ्रॉम स्टार एंड सेकेंड, तो ए पी जो है सी क्यू के इक्वल आ गई और ए क्यू जो है इसके इक्वल आ गई, तो अपोजिट साइड इक्वल आ गई, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इफ इनइक्वालिटल, इनइक्वालिटल अपोजिट साइड्स आर इक्वल then it is a parallelogram, ठीक है, तो हम कह सकते हैं therefore APCQ is a parallelogram, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना इजी है, सिर्फ आपको congruent करना है, और congruent से CPCT से आपके सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th ABCD, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और AP और जो CQ है वो परपेंडिकुलर दे रखे हैं डायगनल BD पे, यानी A से एक परपेंडिकुलर दिया डायगनल पे और C से भी परपेंडिकुलर आया, ठीक है, और आपको प्रूव करना है जो APB ट्राइंगल है APB, अब आपको ये दिखाई देगी APB ये नीचे वाली और CQD ये इधर वाली, ये दोनों को क्या दिखाना है आपको, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इन दोनों ट्राइंगल्स को, वैसे आपको पैरेललोग्राम गिवन है, मैंने ये इरेज कर दिया, इसको डॉटेड बना लेते हैं, तो ये जो डार्क दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, ठीक है, तो आप देखो इसको फर्स्ट पार्ट आपको कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट आपको ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, तो इन्हीं को लेके चलना है, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ठीक है। अब आप ये देखो अपोजिट साइड से इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू DC, अपोजिट साइड इक्वल होती है, आप लिख सकते हो इसमें गिवन में मैंने लिखा हुआ ऊपर गिवन में, ठीक है। अब आप ये देखो एंगल दोनों में 90-90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है आपके पास, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD ईच 90 के। अब एक और चीज आप देखो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं,
पैरेलल होती है, और तो ये आपका ये डायगनल है। तो आप ये देखो ये दो एंगल कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं, अगर नाम डालना चाहो तो नाम डाल दो, ये हो गया वन, और इसको आप नाम डाल सकते हो टू, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और कौन सी लाइन के है वो भी लिख देना आप, ए बी पैरेलल किसके है, बी सी के, एंड बी डी से ट्रांसवर्सल, ये भी लिख देना आप साथ साथ। तो आपके यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी जो कि अभी तक बहुत रेयर यूज हुई है, आप ये देखो, एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड, आपको पता है ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, बाय ए एस ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गई आपके किसके, सी क्यू डी के, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, जो कि ए पी इस ट्राइंगल में आता है और सी क्यू आता है इस ट्राइंगल में, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, तो हम सीधा लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया और ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये खुद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी।